भारत ने डेवलप किया रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बाप। पावर देख इंडियन आर्मी ने ताबड़तोड़ दिया भारतीय वैज्ञानिकों को 10 यूनिट खरीद का आर्डर। अब देशी डिफेंस सिस्टम से होगा चीन और पाकिस्तान का इलाज। जी हां दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम यानी कि रूस के S-400 का भी बाप डेवलप कर लिया है और अब भारतीय सेना रूसी S-400 से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए इस स्वदेशी डिफेंस सिस्टम की ओर मूव करने की प्लानिंग कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे स्वदेशी कुश डिफेंस सिस्टम की। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन की हर एक चाल को नाकाम करने और आसमान में दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और अब भारत के इसी कुश डिफेंस सिस्टम को लेकर ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में कुश डिफेंस सिस्टम रूसी S-400 का बाप होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हो कि भारत द्वारा साल 2018 में जल्दबाजी में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन को खरीदने का फैसला किया गया था, क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था और भारत को ऐसी शंका हुई कि चीन उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। आज स्थिति ऐसी है कि रूस द्वारा भारत को S-400 के 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी की जा चुकी है और इन्हें चीन व पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात किया जा चुका है, लेकिन बाकी के 2 स्क्वाड्रन जो जल्द ही आने वाले थे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से इनकी डिलीवरी बीच में ही अटक गई है, यानी कि रूस बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी भारत को समय से नहीं कर पा रहा है। हालांकि रूस द्वारा भारत को एक धमाकेदार ऑफर दिया गया है कि भारत S-400 की एक प्रोडक्शन लाइन अपने यहां स्टार्ट कर दे और खुद की जरूरतों के लिए इसका प्रोडक्शन तो करे ही, साथ ही साथ डायरेक्ट भारत से इसे अन्य मित्र देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन कुश डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट को लेकर पिछले कुछ सालों से भारतीय वैज्ञानिक जिस ताबड़तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, अब भारत को भी लगने लगा है कि रूस के ऊपर से निर्भरता को कम करने का समय आ चुका है, क्योंकि तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा कुश डिफेंस सिस्टम तकनीक और इंटरसेप्ट करने के मामले में रूसी S-400 से एक कदम आगे होगा। और अब सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय सेना S-400 को लात मारते हुए DRDO से कुश डिफेंस सिस्टम के 10 स्क्वाड्रन को खरीदने की तैयारी कर रही है, यानी कि अब भारतीय सेना को भी DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे कुश डिफेंस सिस्टम पर भरोसा होता चला जा रहा है और यही विश्वास कुश डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों, कुश प्रोजेक्ट का मिशन है एक ऐसा आधुनिक इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम तैयार करना जो किसी भी विदेशी तकनीक से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और दुश्मन द्वारा छोड़े गए हथियारों को धराशायी करने वाला हो। कुश डिफेंस सिस्टम का विचार अपनी रक्षा ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की सोच का एक अद्वितीय एग्जाम्पल है और दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि भारत अब केवल दूसरे देशों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी रक्षा तकनीक को नए आयाम दे सकता है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इस सिस्टम में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है जो न केवल दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी हवाई हमले को रोक सकेगी, बल्कि आसमान में दुश्मनों के खतरनाक हथियारों को भी बर्बाद कर देगी। कुछ समय पहले जब S-400 की डिलीवरी में हो रही देरी का मुद्दा उठा था तो कई डिफेंस एनालिस्ट द्वारा अनुमान लगाया गया था कि भारत शायद किसी दूसरे देश से तकनीकी सहायता लेकर अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय वैज्ञानिक जो हर एक सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भरता की ताकत देते जा रहे हैं, वो खुद के डिफेंस सिस्टम को मायावी बनाने के लिए पहले से ही एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल एक नया डिफेंस सिस्टम तैयार करना ही नहीं बल्कि दुश्मनों को उनकी हर चाल में मात देना है। कुश डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया गया है ताकि ये किसी भी हवाई खतरे
चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो या फिर कोई क्रूज मिसाइल हो। दुश्मन द्वारा भारत पर छोड़े गए हर एक हथियार का सिर्फ एक ही परिणाम होगा और वो है उनका संपूर्ण विनाश। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक कुश डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में किस लेवल तक काम कंप्लीट कर चुके हैं। इस डिफेंस सिस्टम के पास ऐसी कौन सी मायावी ताकत मौजूद है कि इसे रूस के S-400 का भी बाप कहा जा रहा है, और ये दुश्मन के किन किन हथियारों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा कुश डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज सर्विलांस, फायर कंट्रोल रडार और अलग अलग तरह की तीन मायावी इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होगा। इस सिस्टम को LRSAM का नाम दिया गया है। LRSAM तीन लेयर वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। ये तीन स्तरों यानी कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी और अटैक करने में सक्षम होगा। ये किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और गाइडेड हथियार का पता लगाकर उसे राख कर देगा। यानी कि इसके निशाने पर चीन और पाकिस्तान द्वारा डेवलप किया गया हर एक हथियार होगा, चाहे वो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या फिर चीन का H-20 बॉम्बर हो। DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये डिफेंस सिस्टम 90% से ज्यादा हमलों को रोकने में सक्षम होगा। इस सिस्टम को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। कुश सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता मौजूद होगी, यानी कि यह सिस्टम रडार से बचकर आ रही चीजों को भी नष्ट कर देगा। जो तकनीक इसराइल के आयरन डोम, रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। डिफेंस एनालिसिस्ट की माने तो कुश डिफेंस सिस्टम में सिंगल मिसाइल लॉन्च से टारगेट को तबाह करने की दर 90% से ज्यादा होगी। वहीं अगर पूरा का पूरा साइलो लॉन्च किया जाएगा तो इसकी सटीकता 100% के करीब पहुंच जाएगी। कमाल की बात यह है कि इसके पास अवॉक्स यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मिड एयर रिफ्यूलर और बॉम्बर जैसे बड़े विमानों को भी उड़ा देने की क्षमता मौजूद होगी, जो दुनिया के किसी अन्य डिफेंस सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। रिपोर्ट के अनुसार कुश सिस्टम के लिए एक अलग यूनिट बनाई जा रही है जो भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगी। तो चलिए जानते हैं कि कुश डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने का काम कहां तक पहुंचा है और इसे कब तक बॉर्डर पर तैनात करने की योजना तैयार की गई है। दोस्तों, सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO ने इस इंटरसेप्टर में लगने वाली पहली मिसाइल यानी कि AIM-1 मिसाइल को डेवलप कर लिया है और इसका इसी साल के अंत तक टेस्ट किया जाएगा। यानी कि इस साल के अंत तक कुश डिफेंस सिस्टम का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फेज 2 पर काम स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कुश डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए तीन तरह की मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, तो अगर इसमें लगने वाली मिसाइलों की बात करें तो इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली पहली इंटरसेप्टर मिसाइल का कोडनेम M-1 है। ये भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मौजूदा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM की तकनीक पर आधारित होगी, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है जो इसे 150 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को तबाह करने में सक्षम बनाएगा, और इसी मिसाइल का टेस्ट इस साल के अंत तक कंप्लीट होने वाला है। कुश डिफेंस सिस्टम में लगने वाली अन्य मिसाइलों की बात करें तो इसमें AIM-2 और AIM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। AIM-2 मिसाइल की अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर होगी, जो कि एक नए डिजाइन पर आधारित होगी। यानी कि भारतीय वैज्ञानिक कुश डिफेंस सिस्टम में लगने वाली दूसरी मिसाइल को एक नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप करेंगे। इसके अलावा अंतिम इंटरसेप्टर मिसाइल यानी कि M-3 मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड में इस्तेमाल किए गए मिसाइल की डिजाइन पर आधारित होगी। ये 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित दुश्मन के किसी फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या किसी अन्य हवाई संरचना को तबाह करने में सक्षम होगी। भारतीय वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि कुश डिफेंस सिस्टम को साल 2028 तक सेना में शामिल करवा दिया जाए। अब अगर भारतीय वैज्ञानिक
स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक कुश डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं। तो न केवल भारत की निर्भरता रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर से खत्म हो जाएगी, बल्कि आने वाले समय में इसकी मायावी ताकत को देखते हुए कई अन्य मित्र देश भी भारत से इस डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कम से कम कुछ डिफेंस सिस्टम की कितनी स्क्वाड्रन भारतीय सेना के लिए खरीदनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।